एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल क्यूटी बर्न। और आप लोग कैसे हैं? ऑल गुड। तो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ब्राइडल बनने वाले हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो लोग अपने इंगेजमेंट्स के लिए रेडी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे शॉपिंग जो मैंने अपने इंगेजमेंट से रिलेटेड किए हैं। और इंगेजमेंट से रिलेटेड मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आपको किस तरीके से आपको हर एक ज्वेलरी या फिर ड्रेसेस में कैसा कलेक्शन रखना चाहिए जिससे आपका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस लगे। साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि ज्वेलरी में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस टाइप की ज्वेलरी हमें लेनी चाहिए जाके ताकि हम लोग का जो नेक्स्ट साइड है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस लगे। और साथ ही मैं यहाँ पे आपके साथ लहंगा भी अपना शेयर करने वाली हूँ और आपको लहंगा से भी रिलेटेड मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ ताकि आप अपने एंगेजमेंट या फिर ब्राइडल लुक में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ अपना लहंगा दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि मेरा जो लहंगा था वो किस टाइप का था। तो यहाँ जो मेरा लहंगा है ये काफ़ी ज़्यादा बेहद बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खूबसूरत था, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है और इसमें इतना शाइनी पार्ट है कि मतलब ये कैमरे में भी इसका खूबसूरती जो है वो इन मतलब कि नहीं आ पा रहा है। और यहाँ जो मैं एक साइडेड दो लटकन भी इसमें डलवाएँ जो कि मार्केट से ही, ये मैंने पटना मार्केट से ये लहंगा वैसे लिया था, लेकिन लहंगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके को इसके रिगार्डिंग हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ जस्ट टर्न कर रही हूँ, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइनी है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा शाइनी है ये लहंगा। ये लहंगा जो है हर एक वेव में अलग ही इसका ब्राइटनेस है, साथ ही इसमें जरी और मतलब कि मोती और मतलब सितारे का बहुत अच्छा वर्क है, इसलिए ये जो लहंगा है काफ़ी ज़्यादा शाइनी और काफ़ी अलग ही ये कलर है। चूँकि इसका जो कलर है वो एक्चुअल जो कलर है वो आपको कैमरा में भी इसका एक्चुअल कलर जो है वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस लहंगे को आपको दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको नहीं दिखा सकी तो उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज़ का सेक्शन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ पे मैंने थोड़ा सा चैन लगवाया था साइड में और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हुक भी डलवाया था ताकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है आपके लिए, काफ़ी आप अपने ड्रेस पे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टाइप से करवाया। साथ ही यहाँ पर जो मैंने दो लटकन डलवाए थे वहीं पर जो बड़े लहंगा का जो लटकन था उसी का छोटा सा पार्ट मैंने इसमें डलवाया था कुछ इस टाइप से। तो ये जो था ये मुझे रेडीमेड मिला, रेडीमेड नहीं मीन्स मतलब एक कपड़ा मिला था, इसको मैंने सिलवाया था टेलर के पास। तो इसका आप नेट का बाजू देख सकते हो, उसमें मतलब कि आपको अलग ही वर्क था। अब यहाँ पे बात आती है दुपट्टा की। तो दुपट्टा जो था वो उसका सबसे सुंदर पार्ट मुझे ये बॉर्डर लगा, ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट है बाद बाकी के लहंगा से, इसलिए मैं इस लहंगा के लिए गई थी। तो गाइस ब्राइडल लहंगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके बाद मैं आपको बता दूं आप यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ अपने लहंगा से रिलेटेड। तो लहंगा अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो अगर हम लोग का लहंगा का जो क्वालिटी है और जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस है और हमें अपने लहंगा को बहुत ही खूबसूरती ढंग से दिखाना है तो ऑलवेज मेक श्योर यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहली चीज़ है कि अगर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा वर्किंग है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैटरी है कुछ इस टाइप का है कि आपको बहुत पसंद है तो आपको अपने नेक पीसेस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट रखना है, अपने इयर रिंग साइड को भी काफ़ी ज़्यादा छोटा आपको एलिगेंट रखना है और साथ ही अपने नेक पीसेस ही। अब दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी फेस जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस लगे और या फिर मतलब आपके फेस पे बहुत ज़्यादा चबी फेस है या फिर हेल्थ है तो आपको क्या करना है, अपना नेक का जो साइड है वो थोड़ा सा डीप आपको देना है ताकि इससे क्या होगा, इससे आपका ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा दिखेगा जिसके वजह से आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। लहंगा से रिलेटेड थर्ड टिप ये है कि अगर आप लोग किसी हेयर स्टाइल के लिए जाने वाले हैं, बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि हम लोग को ऐसा हेयर स्टाइल करना है तो ये कभी ना करें, ये कभी ना सोचें। हाँ, आप एक रैंडम कलेक्शन रख सकते हैं कर्ली वेवी सारे हेयर्स का, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि मतलब हमें यही हेयर स्टाइल करवाना है, क्योंकि जब आप ड्रेसअप कर लें, जब आप मेकअप करवा लें उसके बाद आप अपना चॉइस रखें कि आपको हेयर स्टाइल उस पर कैसे रखना है, क्योंकि अगर आपने मेकअप और अपना ड्रेसअप कर लिया तो उसके रिलेटेड आप काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल लुक देख सकते हैं कि आपके फेस पे कितना कौन सा हेयर स्टाइल का कैसा लग रहा है।
तो जो मेरा अगला शॉपिंग है वो शॉपिंग था मेरा एक आर्टिफिशियल नेल्स। तो ये जो इसलिए मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरे जो नेल्स थे, मैं चाह रही थी कि मैं आर्टिफिशियल नेल्स ट्राई करूँ इस अपने इंगेजमेंट में। वैसे मैं जाने वाली थी नेल एक्सटेंशंस पे, पर मुझे टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने ये प्रोडक्ट पहले ही ऑर्डर करके रखा हुआ था, जो कि एक तरीके का आर्टिफिशियल नेल्स है। और ये मतलब कि आपका 1000 का इसका MRP है, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ 400 में मिला। इस पर 60% का डिस्काउंट था। साथ ही ये जो है मतलब कि आपका काफ़ी जल्दी स्टिक हो जाएगा, लेकिन इसका जो लुक है आप देख सकते हो इस टाइप का। ये मैंने अमेज़ॉन से इसे परचेस किया था, और अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा नेल फाइलर आपको मिलता है कुछ इस टाइप से, जो कि पिंक कलर का है, आगे पीछे दोनों इसका कलर अलग है। अब यहाँ पे आपको एक वाइप मिलता है, दो वाइप मिलता है, ताकि अगर आप ग्लू लगाएं उसके बाद अगर आपके इधर इधर साइड कुछ लग जाए तो आप उसे अच्छे से हटा सकें। तो इस टाइप का ग्लू मिलता है, और अगेन आपको यहाँ पे नेल्स मिलते हैं। इसमें टोटल जो पीसेस हैं मुझे लगता है 30 पीसेस वैसे दिया गया, क्योंकि इसमें 20 पीसेस हैं और 10 पीसेस अलग जगह पर रखे हुए हैं। वैसे मैंने ये अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, और इसमें आपको एक स्टिक टाइप का दिया रहता है ताकि आप अपने क्यूटिकल्स को इस टाइप से पीछे करके थोड़ा सा ये कर सके। और इसके साथ आपको एक ग्लू शीट दिया रहता है जिसमें आपको जस्ट इसको क्या करना है, नेल्स पे लगाना है एंड देन 2 या 3 सेकेंड तक के लिए रखना है, उसके बाद हटा के आपको नेल्स स्टिक करने हैं। तो इस टाइप का ये है, और ये मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। तो और लेकिन मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने अपने इंगेजमेंट में ये नहीं वियर की थी, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब कि मुझे बताया गया कि ये कभी कभार निकल जाता है, तो इसलिए मैंने अपने ओरिजिनल नेल्स पे ही नेल पेंट अप्लाई किया था। तो ये इस टाइप का है। अगर आपको इसकी भी इसकी लिंक चाहिए तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है वो है अलज़ायरा का, एक तरीके का मैंने मंगवाया था, जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया था। ये एक टाइप का यू नो वायर है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जिसका जो सेंटीमीटर है ये 50 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे मिलता है। और इसकी बात करें तो ये 1600 का है, और वैसे मुझे ये 350 में अप्रॉक्स मिला। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये अगर प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ना लें। ये मैं आपको बोलूँगी कि लोकल मार्केट से ही आप लें, क्योंकि आपको मुझे लगता है इसका 350 बहुत ज़्यादा यू नो रेट हो गया, इतना रेट नहीं होना चाहिए था। चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं एक ही बार सारा शॉपिंग करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ले लिया। तो ये कुछ इस टाइप का है, लेकिन ये काफ़ी प्रिटी सा है, मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए मैं प्रोडक्ट जब देख लेती हूँ, जब मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं वो परचेस कर लेती हूँ। लेकिन हालाँकि ये जो प्रोडक्ट है ये आप सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट से लें, क्योंकि लोकल मार्केट में इसका जो रेट है काफ़ी कम रहेगा, 250 मैक्सिमम रहेगा या तो उससे नीचे ही रहेगा, अगर आप एक अच्छा मार्केटिंग कर रहे हो तो। ये इस टाइप का था, तो मैंने ये वियर किया था अपने यहाँ पे, मैंने अपने एंगेजमेंट में वियर किया था। तो अगला जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था अपने लिए, तो वो है एक चूड़ी। तो चूड़ी यहाँ पे मैं काफ़ी सिंपल सा यू नो ली हुई थी, ताकि मेरा जो लहंगा है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, और मेरे बाजू में जो था वो नेट में ग्लिटरी वर्क था मेरा ब्लाउज़ का, तो उस रीज़न से मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल यहाँ पे चूड़ी वगैरह लिया था। तो इसलिए ये मैंने लोकल मार्केट से ही जाके लिया था। तो लोकल मार्केट में ऑलवेज जाके पहले वैरायटी देखें, उसके बाद आप अगर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो काफ़ी सिंपल सा एलिगेंट सा आप चूड़ी मतलब वियर कर सकते हैं, वो ज़्यादा एलिगेंट लगता है देखने में। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो है जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी। फिलहाल मैंने इसमें इसे कैरी करके रखा है, क्योंकि एक्चुअली में इसका पूरा बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था। ये स्वास्ति ज्वेल का ब्रांड का नाम है, और मतलब इसका पूरा बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था काफ़ी अच्छे से, मतलब कि एक मैनर में उसे रखा हुआ था उस बॉक्स के अंदर, लेकिन वो बॉक्स अनफॉर्चुनेटली मेरा छूट गया जहाँ मैं मेकअप के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने इस टाइप से रख लिया। तो ये आप देख सकते हो इस टाइप का आपको यहाँ पे ईयरिंग मिलता है, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुंदर सा है, और इसका ग्लिटरी जो है इसका क्रिस्टल वर्क है, और साथ ही ये जो है गोल्ड प्लेटेड
किया हुआ है ताकि मतलब कि इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें शाइनी था। तो मैंने जो ईयरिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैंने यहाँ पे वियर किया था, लेकिन ये सिंपल में भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक है क्योंकि आप देख सकते हो इसमें शाइनी पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से अब इसकी ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी यहाँ पर एकदम सिंपल सा एक चैन टाइप का आपको यहाँ पर मिला था जो कि काफ़ी सुंदर सा मतलब कि ज्वेलरी था। तो ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसका जो MRP है एक्चुअल में वो 6000 है, बट ये मैंने 1449 अप्रॉक्स 1500 में मैंने ये परचेज़ किया था और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। मुझे इस टाइप की ज्वेलरी कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने जब इसे एक लुक में देखा और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा वियर करके दिखा रही हूँ। ये आप देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपके लुक को इन्हेंस करता है। ये इतना सुंदर सा मतलब कि ज्वेलरी है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यू नो पसंद आया क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। आप देख सकते हो हर एक वेव में इसका शाइनी पार्ट बहुत ज़्यादा है और इसका जो चैन है वो एक गोल्ड प्लेटेड मतलब इस टाइप का है। और लेकिन इसका जो ये था ये मतलब कि ज़्यादा हुक यहाँ पे दिया जाता है ताकि आप इसे अच्छे से यू नो फिक्स कर ले, लेकिन वहाँ पे एंगेजमेंट में मेरे इसको मतलब कि हुक को मतलब इससे नहीं फिक्स किया गया था, वो एक रबर के बैंड के हेल्प से फिक्स किया गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि ये ओपन हो जाएगा इस वजह से। लेकिन अनफॉल अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है। और इसका जो है इसका सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था और अभी भी ये मेरा फेवरेट है। तो ये इस टाइप का। तो अगर इस ईयरिंग की लेंथ की बात करें तो ये जो है 4.7 सेंटीमीटर है और इसके वेट की बात करें तो उतना ज़्यादा इसका एक्चुअल में वेट है नहीं, लेकिन वैसे 12.4 ग्राम की ये मतलब कि ईयरिंग्स है, थोड़ा लाइट वेट है, उतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं है कि आप मतलब कैरी करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो आपको। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये मतलब आपको 19 इंच का मिलता है और साथ ही ये 42 ग्राम की आपको मतलब कि इसका वेट दिया जाता है। अब जो मेरा प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक तरीके का मैंने ज्वेलरी सेट लिया था। ये एक झुमका है जो कि ये डिवा वॉक की तरफ से है और इसका जो MRP है ये 2500 की है, बट ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 में मिली। तो सबसे पहले मैं इसका बॉक्स का आपको लुक दिखा रही हूँ कुछ इस टाइप का। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा मुझे इसका बॉक्स लगा और अंदर आपको ये ईयरिंग सेट मिलता है जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये ईयरिंग सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और मैंने एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि मतलब कि मैं इस टाइप का वियर करूँगी कि नहीं वियर करूँगी, बट मैंने यूं ही मतलब इसे परचेज़ कर लिया था क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि लहंगा क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं इसका एक पार्ट आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है एक झुमका टाइप का, जहाँ झुमका जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी वेट इसका है नहीं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। ऐसा देखने में आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये हैवी है। ये आपको एक गोल्ड प्लेटेड में मिलता है जहाँ आपको इसके नीचे में बहुत सारा मतलब मोती का वर्क मिलता है, जहाँ वाइट मोती है और आपको थोड़ा रानी कलर का जो मोती होता है उस टाइप का। और आपको यहाँ पे एक ईयरिंग का साइड मिलता है एंड अगेन यहाँ पे चैन होके आपको ये मिलता है ताकि आपको कुछ इस टाइप का यू नो लुक जाए। तो अगर इस ईयरिंग का लेंथ की बात करेंगे तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर है और ये चैन की बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, तो इसके आसपास। तो अब मैं आपको इसे वियर करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे वियर कर लिया, अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी आप इसे वियर कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल आपको लग रहा होगा अभी देखने में। और अगर आपको इस टाइप से अगर वियर नहीं करना तो आप चाहें तो यहाँ पे भी, चूँकि मेरे थोड़े हेयर में फंस रहा है मैं ऐसा डालूँ, और अगर आप चाहें तो आप इस टाइप से भी इसे वियर कर सकते हैं पीछे की तरफ आप रखें। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइल है और मैं इसी रीज़न से मैंने इसे लिया था ताकि मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो इस टाइप से भी इसे वियर कर लूँ। तो मुझे ये जो स्टाइल है ये ज़्यादा पसंद आ रहा है और अगर आप चाहें
तो इस टाइप से भी आप वियर कर सकते हैं। तो इसका जो यूजेस बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और झुमका किसको नहीं पसंद आता है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये आपको सिर्फ 500 में मिल जाता है, जबकि इसका MRP जो है 2500 की ये प्रोडक्ट है। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वाला गोल्डन है, ऐसा मतलब कि गोल्डन ही है जो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो मोती का वर्क है ये काफ़ी ज़्यादा इसको एलिगेंट लुक बनाता है। तो अगर आप झुमका के लिए जाने वाले हैं तो आप इस झुमके को ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक वगैरह सब कुछ डाल दूंगी। बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट जो है परचेस कर लिया था। और अगर आप चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हैं, आप अपने ब्राइडल लुक के लिए इसे ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एनहेंस जाने वाला है आपके ब्राइडल लहंगा पे। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट ज्वेलरी में, जो कि अगेन एक ईयरिंग ही है। बट ये जो ईयरिंग है ये मुझे बहुत पसंद आया था, और मुझे एक्चुअली में कलर अपने लहंगा के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया था इन केस अगर मुझे कोई ज्वेलरी ना मिले तो मैं ये वियर करती। तो ये जो है आई ज्वेल के तरफ से है, और ये जो आई ज्वेल के तरफ से, सबसे पहले मैं इसका आपको लुक दिखा दूँ। तो इस टाइप का बॉक्स ऊपर के सेक्शन में इस टाइप का बॉक्स है, जो कि इस टाइप का है। और मैं आपको इसके अंदर का प्रोडक्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे ज्वेलरी ईयरिंग है, जो ईयरिंग सेट मैंने परचेस किया था, तो यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये एक तरीके का ईयरिंग है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये एक तरीके का कुंदन सेट है, आप बोल सकते हो कुंदन सेट में ये मतलब एक टाइप से आपको मोती से वर्क मिलता है, इस टाइप का ये है। और ये इतना ज़्यादा क्यूट है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो इसका जो अंदर का सेक्शन है वो इस टाइप का है, और इसके बाहर का सेक्शन इस टाइप का। चूँकि कैमरा में भी इसका जो खूबसूरती है वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्चुअली में ज्वेलरी है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। और ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में 400 में रिसीव हुआ था। वैसे तो मुझे इसका MRP अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। तो ये इस टाइप का है, तो मैं आपको इसे वियर करके मैं दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ आपको इसको वियर करके दिखा रही हूँ। अगर इसके हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो अगर वेट की बात करें तो ये 60 ग्राम की है। ये थोड़ी हैवी है, क्योंकि मुझे मे बी इसलिए लग रहा हो क्योंकि मैंने अभी दो ईयरिंग ऑलरेडी ट्राई किए हैं शायद से इसलिए, लेकिन ये थोड़ी हैवी है। लेकिन अगर इसके लुक पे जाएं, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ईयरिंग है, जो कि इसका खूबसूरती जो है वो आपको मतलब कि कैमरे में फोकस नहीं कर पा रहा है उतना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखो इसको, ये जो है कुछ इस टाइप से होता है, और नीचे जो इसका ग्रीन मोती का वर्क है, एंड अगेन यहाँ पे वाइट मोती उसके साथ छोटा छोटा मतलब मोती आपको इतना वर्क इसका जा रहा है। ये मैंने अप्रॉक्स 400 में परचेस किया था, और ये जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ईयरिंग। और साथ ही ये जो है ये तरीके का गोल्ड प्लेटेड है, और इस टाइप का आपको वर्क यहाँ पे मिलता है। तो मुझे ईयरिंग में ये मैं एट रिस्क पे लेके चल रही थी कि अगर मुझे उस टाइप का मिल लहंगा का जो कलर है वो वैसा उस टाइप का नहीं मिलता तो मैं यही वियर करूँगी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं ये ईयरिंग वियर करती तो मैं ज्वेलरी में कुछ वियर नहीं करती, क्योंकि मुझे नेक्स्ट साइड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चाहिए था। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका, जैसे कि मैंने लहंगा के बारे में बताया कि लहंगा हैवी है तो ज़्यादा वर्क है उसमें, तो एक सिंपल सा मतलब कि ये हम लोग नेकलेस में सिंपल सा वियर करें, ताकि हमारा लहंगा और हम लोग का जो जो लुक हो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे। लेकिन अगर हम लोग के पास नेकलेस नहीं है और ईयरिंग है, तो मतलब अगर हम लोग का ईयरिंग बहुत ज़्यादा प्यारा है तो सिर्फ ईयरिंग वियर करें, जो नेक का साइड जो है वो आप छोड़ दें। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपने हैवी ईयरिंग वियर किया हुआ एंड देन आप ज्वेलरी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी या फिर एलिगेंट पहन रहे हैं, तो उस पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक जाता है, जहाँ तक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक क्लीन टाइप का लुक हम लोग को चाहिए होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ब्राइटनिंग लगे। इस ईयरिंग का भी आपको 3 कलर मिल जाएगा वहाँ पे, आई थिंक सी ब्लू है, ग्रीन है और रेड है शायद से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगी, और आप वहाँ से जाके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप उसका डिफरेंट कलर भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और साथ ही अगर आप ये ज्वेलरी के लिए जा रहे हैं, आपके पास आपको चाहिए डिफरेंट कलर पे, तो ये जो ज्वेलरी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहां जाके इसके बारे में भी चेक करना,
का भी बहुत सारा वैरायटी है वहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे कलर्स में ये नेकलेस ज्वेलरी सेट भी है वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये ट्राई करें तो मैं आपको बोलूँगी आँख बंद के आप ट्राई करो, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मुझे बहुत सुंदर ये लगा था। तो ये इस टाइप का, तो अगर सैंडल की बात करें तो सैंडल मैंने ऐसा सैंडल वियर किया था जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए लहंगा जो ऐसा मैंने मेरा लहंगा जो था वो काफ़ी हैवी वर्क था, तो मैंने ज़्यादा हाई हील्स वहाँ पे कैरी नहीं किया था, मैंने काफ़ी सोवर सा सैंडल वियर किया था ताकि मैं उस सैंडल में कंफर्टेबल रहूँ। ऑलवेज मेक श्योर कि आप मतलब कि ऐसा सैंडल वियर करें जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल रहेंगी तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक करेंगी। तो गाइस अगर आपको अपने इंगेजमेंट से रिलेटेड या ब्राइडल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं सारे कमेंट का जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं जो कि है gorgeous6011। तो गाइस अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।